साउथ अफ्रीका टीम ने 8 ओवर्स पर 56 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर। युजवेंद्र चहल अपने खाते का दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले के अंदर स्पिनर्स को लाया गया है। अपने पिछले ओवर में 7 रन दिए थे युजवेंद्र चहल ने। पहली बॉल स्विप शॉट स्क्वायर लेग के 20 से 4 रन, कमाल का शॉट क्विंटन डिकॉक का, ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई बॉल को ऑफ स्टंप में जाकर लेग साइड में घुमाया। एक बॉल 4 रन, बॉल पूरी तरह से बीट हुए क्विंटन डिकॉक। अच्छा डिफेंस क्विंटन डिकॉक का, फिर से डिफेंड किया है इस बॉल में। विकेट विकेट बॉलिंग युजवेंद्र चहल की। पहली बॉल में 4 ऑफ, इसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल्स। इस बार कलाइयों खोलने का मौका और हाथ खोले हैं क्विंटन डिकॉक ने। शानदार स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में खेला हुआ खूबसूरत शॉट क्विंटन डिकॉक का 4 रनों के लिए। स्ट्रोक खेलने का मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उठाया क्विंटन डिकॉक ने। युजवेंद्र चहल स्वर में महंगे साबित होते हुए। लास्ट बॉल उसकी, आए रन लेने का कोई मौका नहीं क्विंटन डिकॉक के पास। हार्दिक पांड्या अपने खाते का पहला ओवर लेकर 2 बॉल अच्छी बॉलिंग, अभी तक एक भी रन नहीं दिए हैं। उसकी आए लेग की दिशा में फील्डर तैनात है। एक बार फिर पांड्या इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। क्विंटन डिकॉक का बॉल गई है स्टैंड्स में और देकर गई है 6 रन। मिड विकेट में बॉल रखने का प्रयास, उसे उठाया, लॉफ्टेड शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से क्विंटन डिकॉक ने। जी नहीं, यहाँ बैट्समैन थे फाफ डुप्लेसिस। इस बार पुश किया है स्ट्रेट हिट, लेकिन ये 9 बॉल, अंपायर का डिसीजन ऑफ फ्री हिट। एक और बॉल करनी होगी हार्दिक पांड्या को। फ्रेट का पूरा फायदा उठाते हुए बॉल गई हवाई यात्रा के लिए, देकर गई 6 रन फाफ डुप्लेसिस को। दोबारा देखेंगे इस शॉट को। ये लास्ट बॉल हार्दिक पांड्या की, सामने फाफ डुप्लेसी शॉर्ट बॉल, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं, सही कनेक्शन नहीं। 55 बॉल्स में 72 रन की पार्टनरशिप क्विंटन डिकॉक और डुप्लेसिस के बीच। क्विंटन डिकॉक 45 और डुप्लेसी 31 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट। अक्षर पटेल अपने खाते का पहला ओवर लेकर, सेकेंड पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है और फील्डर्स हैं 30 यार्ड के बाहर। उसकिया लॉग ऑन की दिशा में मिलेंगे 1 रन, इसी के साथ स्कोर 79 रन। फिर उसकिया मिड विकेट की दिशा में मिलेंगे सिर्फ 1 रन, 3 बॉल्स में अभी तक 3 रन दिए हैं अक्षर पटेल ने। फिर उसकिया स्ट्रेट साइड में एक और रन मिलता हुआ क्विंटन डिकॉक एक बार फिर स्ट्राइक पे 47 रन पे नॉट आउट है। और ये 4 रन के साथ अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है क्विंटन डिकॉक ने। इस मैच में पहली हाफ सेंचुरी आती हुई क्विंटन डिकॉक की। 5 बॉल्स में 8 रन दे चुके हैं अक्षर पटेल। उसकी आए एक बार फिर मिड विकेट की तरफ, इनफील्डर तैनात। 13 ओवर में 86 रन, 52 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट क्विंटन डिकॉक। हार्दिक पांड्या दूसरा ओवर लेकर और यहां पर आउट की जोरदार अपील, एम्पायर का डिसीजन आउट। रिव्यू टाइमर चलता हुआ, देखना होगा क्या रिव्यू लेंगे या फिर नहीं, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने मन बनाया रिव्यू लेने का और जी हाँ रिव्यू ले लिया है। थर्ड एम्पायर के पास चलेंगे इस रिव्यू के डिसीजन के लिए। यहाँ पर पैर बिल्कुल सही है हार्दिक पांड्या का, देखना होगा क्या बॉल विकेट्स को हिट कर रही है या फिर नहीं। ओरिजिनल डिसीजन आउट है, इम्पैक्ट इन लाइन, पिचिंग इन लाइन, विकेट एम्पायर्स कॉल। रिव्यू तो बचा लिया साउथ अफ्रीका टीम ने, लेकिन क्विंटन डिकॉक का महत्वपूर्ण विकेट नहीं बचा सकी। विकेट ऑफ स्टंप पे बॉल टकराती हुई,
अच्छा स्विंग था, LBW आउट हुए क्विंटन डिकॉक और विंड्रू आए हैं क्विंटन डिकॉक की जगह पर नए बैटर। अच्छी बॉलिंग हार्दिक पांड्या की, दूसरी सफलता दिलाई इंडियन टीम को, जो कि अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे। अगली बॉल उसकी आए लॉग ऑन की दिशा में, फील्डर तैनात है, मिलेंगे सिर्फ एक रन। पांचवी बॉल हार्दिक पांड्या की, लेग की दिशा में घुमाया है, फील्डर मौजूद। अभी तक एक अच्छी बॉलिंग किया है हार्दिक पांड्या ने, पावर प्ले के अंदर 13 रन जरूर दिए थे, लेकिन इसके बाद तुरंत रिकवरी की। पावर प्ले के बाद आते ही एक विकेट चटकाया है साउथ अफ्रीका टीम का, और ओपनिंग बैट्समैन क्विंटन डिकॉक को पवेलियन भेजा रविंद्र जडेजा अपने खाते का दूसरा ओवर लेकर। सामने आर्व एंडरसन, लॉफ्टेड शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से, ये सिक्स। उस किया मिड विकेट की तरफ, बॉल गई तो दूर है, लेकिन मिले हैं सिर्फ एक रन। फिर जडेजा ये एक अच्छा लीव प्लेसेस का, अगली बॉल स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर मौजूद है, मिलेंगे सिर्फ एक रन। लेग साइड में पटकी हुई बॉल और इसका खामियाजा भुगतना होगा रविंद्र जडेजा को। शॉट खेलने का मौका दिया और उसे सेफ तरीके से खेला, लेग साइड में सिर्फ कट लगाया और बॉल को जाने दिया। मिली एक बाउंड्री आर्व एंडरसन को, फिर से लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास, इस बार मिड विकेट के ऊपर से, मिले मैक्सिमम। जडेजा का ये ओवर बेहद महंगा, 13 ओवर 109 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स और एक और लॉफ्टेड शॉट। इस बार बॉलर है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन ये खराब बॉल, बैक टू बैक सिक्स, इस बार डाउन द ग्राउंड। दो बॉल में 12 रन दे चुके जसप्रीत बुमराह। अगली बॉल पुश किया है, बॉल बैट का सही कनेक्शन नहीं, कनेक्शन तो हुआ है लेकिन बॉल ज्यादा दूर जाएगी नहीं। अभी तक 4 बॉल में 13 रन दे चुके हैं जसप्रीत बुमराह। एक कमाल का शॉट है, स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम है, रिकॉर्ड 6। अभी तक 3 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में, कि लास्ट बॉल पुश किया स्क्वायर लेग के दिशा में, पीछे फील्डर हैं। 14 ओवर्स में ये 9 बॉल, एक और बॉल डालनी होगी जसप्रीत बुमराह को। रन 13.5 ओवर्स के बाद, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, लास्ट बॉल।